डेनमार्क सरकार ने मंगलवार को कहा कि वो 2021 के अंत तक मिंक फार्मिंग पर प्रतिबंध लगाना चाहती है, क्योंकि उसने एक कानून का प्रस्ताव पेश किया था जो पिछले सप्ताह की घोषणा के अनुसार 15 मिलियन मिंक की कलिंग की अनुमति देगा। कलिंग का उद्देश्य नए कोरोनावायरस का उत्परिवर्तित संस्करण है जो लोगों को प्रेषित किया जा सकता है, हालांकि अभी तक कोई सबूत नहीं है कि यह अधिक खतरनाक है। सरकार को एक नए कानून की आवश्यकता है क्योंकि उसके पास स्वस्थ जानवरों की हत्या का आदेश देने का अधिकार नहीं है। विपक्ष ने सरकार को दोषी ठहराया क्योंकि इसने वध की शुरुआत कानून बनाने से पहले और प्रजनकों और उनके कर्मचारियों को मुआवजा देने की योजना को परिभाषित करने से पहले की थी। प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन ने मंगलवार को सवाल जवाब सत्र के दौरान संसद को बताया, मुझे घटनाक्रम पर खेद है। हालांकि चीजें तेजी से आगे बढ़ी, यह स्पष्ट है कि यहां एक नए कानून की आवश्यकता है, फ्रेडरिकसन ने कहा। प्रस्तावित कानून के तहत मिंक फार्मिंग को 31 दिसंबर 2021 तक अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि सीमित संख्या में मिंक को निजी तौर पर उदाहरण के लिए पालतू जानवरों के रूप में रखा जा सकता है। देखने के लिए धन्यवाद।